पे आपका स्वागत है और आप टीम के ओनर है, तो आपकी टीम का नाम क्या है और आपकी टीम कहां पर मैच खेलने जाने वाली है? हमारी टीम का नाम डीसी वॉरियर्स औरंगाबाद है और ये जो जा रही है NCW नागपुर के अंदर ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है उसमें खेलने के लिए जा रही है। तो सर प्राइस वगैरह क्या है वहाँ पर? वहाँ पर प्राइस 5 लाख रुपये फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड प्राइज 2.5 लाख रुपये और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलने तक वहाँ पे प्राइजेस दिए जा रहे हैं। सर औरंगाबाद से ये पहली मर्तबा हो रहा है कि ऑल इंडिया नेशनल लेवल के ऊपर औरंगाबाद की टीम जो है मैच खेलने जा रही है, क्या कहेंगे? हमारे पास औरंगाबाद में बच्चों के अंदर कोई कमी तो है नहीं टैलेंट की, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे पास में और पहली बार मौका बच्चों ने मेरे से आके रिक्वेस्ट किए थे कि जो है तो इतना बड़ा टूर्नामेंट है और हमारे पास जो है तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर बियरिंग एक्सपेंसेस नहीं अवेलेबल है और कोई हमारी फिलहाल मदद नहीं कर रहा है, तो इन्होंने मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आया, इसीलिए मैंने इनको जो है तो नागपुर में ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर औरंगाबाद की तरफ से भेजने की कोशिश की है। सर हमारे शहर में बहुत से लोग जिम्मेदार है और क्रिकेट प्रेमी भी है, फुटबॉल प्रेमी भी है, मगर वो सामने नहीं आते, तो उन लोगों को क्या आह्वान अपील करेंगे कि वो भी इस टूर्नामेंट का हौसला अफजाई करें? देखिए नाम तो हमारे औरंगाबाद में बहुत बड़े बड़े हैं और ऐसे लोग हैं जो अगर बच्चों को प्रमोट करें तो इंडिया लेवल पर भी बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ के क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहा है या फिर हमारे युवा बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहा है। मैं औरंगाबाद के तमाम उन लोगों से जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते अपील करता हूँ कि जिस तरह ऑल इंडिया टूर्नामेंट में आज बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी आगे बढ़कर उनका सपोर्ट करें और बड़े बड़े टूर्नामेंट में उनको जाने के लिए मदद करें। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद। क्रिकेट मैच खेलने जाने वाले हैं नागपुर में, तो कितने दिनों से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप क्या मतलब स्टूडेंट हैं या कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं और एक महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं नागपुर के लिए। क्या कारोबार करते हैं सर? मैं सीलिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो आप सीलिंग के कॉन्ट्रैक्टर है, क्रिकेट मैच खेलने के लिए वक्त मिलता है आपको? बिल्कुल निकालते टाइम खेलने के लिए, अभी अपनी बॉडी के लिए फिटनेस के लिए अच्छी चीज़ है, इस वजह से हम ये टाइम निकाल कर खेलते हैं। सर देखने में आता है कि जो क्रिकेट वगैरह का मैच खेलते हैं तो वो नेट प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, मगर जब टूर्नामेंट में उतरते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं इंशाल्लाह अब ये बारी को तो हम तो जब जहाँ पे भी बाहर गए तो इंशाल्लाह रन अप और फाइनल ही मार कर आई, इस बार भी इंशाल्लाह हम फाइनल मारेंगे, अल्लाह की रजा रही और औरंगाबाद वालों की दुआ रही और टीम की एकता रही तो इंशाल्लाह हम फाइनल मारेंगे। आपका नाम? अपन एक क्रिकेट खिलाड़ू आए आणि जे तुमची टीम नागपूर मध्ये पार्टिसिपेट करणार आहे ऑल इंडिया लेव्हलवर, तो आपण किती वर्षापासून क्रिकेट मॅच खेळत आहे? मी वैयक्तिक 6-7 वर्षापासून क्रिकेट खेळतो आणि जेवढं हे बॉक्स क्रिकेट झालं ते मी मागच्या 3-4 वर्षापासून सुरू केलं आहे आणि आपला संघ पाहिला तर आणि संघाच्या सध्या संघातले खेळाडू बघितले सगळे तर हे सर्वच खेळाडू आपल्या कामासोबत आपल्या शिक्षणासोबत क्रिकेट हे खेळतच राहतात, त्याच्यामुळे आपला खेळायचा दर्जा हा त्यांना माहिती झालेला आहे आणि ते कामातला वेळ काढून सुद्धा क्रिकेट खेळतात। सगळेच खेळाडू आपले सिनियर आहेत, 27-28 कोणी 24-25, आपल्या संघाचा ॲव्हरेज वय जर आपण काढलं तर ते 24-25 वर्ष भरेल आणि हा तुल्यबळ संघ आहे आणि हा चांगली कामगिरी करू शकेल। आपण शैक्षणिक घेतलेले आहे की आपण एक व्यवसायिक आहे? मी सध्या शिक्षण घेतोय, मी कायद्याचा विद्यार्थी आहे आणि मी सध्या विधी विद्यालयात आहे, 4th वर्गात शिकतो। ह्या टीम मध्ये आपण किती वर्षापासून आहे? ह्या संघात मी मागच्या 1 वर्षापासून आहे आणि जसं मी आधी सांगितलं की हे सगळे खेळाडू सिनियर आहेत, मला मी सगळे त्यांच्या ज्युनियर आहे आणि जसं यांचं सगळ्यांचं पाठबळ आहेच आणि त्यामुळे चांगला गेम पण चांगला होतोय, संघ पण चांगली कामगिरी करतो। टीम मध्ये आपण कोणते प्लेयर आहे, बॉलर आहेत का बॅट्समन? मी ऑलराऊंडर आहे। ऑलराऊंडर, काय नाव आहे? मी आता आहे की अपने शहर में मराठवाडा में और महाराष्ट्र से भी बच्चे बहुत खेलने के लिए जाते हैं क्रिकेट मैच, मगर वो इंडिया टीम तक नहीं पहुंच पाते, क्या कहेंगे? सर मेरा तो ये बोलना है, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, क्यों नहीं जाते? आपने देखा होगा कि औरंगाबाद में बहुत सारा टैलेंट है, जो कि आपने देखना अभी हमारे जैसे हमारे आकिब भाई है, इन्होंने हमको मौका दिया औरंगाबाद को रिप्रेजेंट करने का नागपुर में, वैसे ही अपने प्लेयरों को अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो भी रणजी ट्रॉफी और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और इंडिया लेवल तक जा सकते हैं, बस उनको एक चांस मिलना चाहिए। अपने औरंगाबाद में बहुत सारा टैलेंट है, मैं गुजारिश करूंगा जो भी क्रिकेट को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सेलेक्टर से कि वो हमारे औरंगाबाद के टैलेंट को मौका दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अलग अलग योजना निकाल रहे हैं, तो क्या सरकार से गुजारिश करेंगे कि क्रिकेट के लिए भी कुछ एक योजना का एक मतलब परिवेदन करे जाए? बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री योजना बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसमें मैं चाहूँगा कि जो बच्चे क्रिकेट से लगा हुआ है, जिनका दिलचस्पी है, उनके पास टैलेंट है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि
प्रधानमंत्री योजना से वो आगे बढ़ जाए और उनकी लाइफ बन जाए और वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करे और हमारे शहर का नाम रोशन करे। आपका नाम है और क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है और अपने शहर में ज़्यादातर आजकल ये देखा जा रहा है कि युवा नशे की तरफ ज़्यादातर रागिब हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि अभी ये जो मौका मिला है अपने बच्चों को नागपुर जाने के लिए, तो ऐसा अगर हर कोई सपोर्ट करेगा कि भाई तुम खेल की तरफ ध्यान दो, खेलो, तो इससे लोग बच्चों का माइंड डाइवर्ट रहेगा, वो गलत चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। सर, औरंगाबाद से जो पहली मरतबा टीम जा रही है नागपुर मैच खेलने के लिए, तो क्या आप जीत हासिल करने की नीयत से ही मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल सर, जीत हासिल करने के लिए ही उतरेंगे और अपने पास के बच्चों ने जो टीम बनाए हैं ये सब एकदम परफेक्ट टीम बनाकर लेकर जा रहे हैं और इनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाई है क्योंकि इसके पहले भी मालिक को गए थे, मालिक उमर एक बार रनर अप रहे, एक बार फाइनल जीत कर आए, तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है कि वो जीत कर आ सकते हैं और मेहनत भी वैसी कर रहे हैं वो। अभी तकरीबन एक महीने से उनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से खेलेंगे तो जीतेंगे और टीम की एकता इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है और वो सब साथ में मिलकर ही अच्छे से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल जीत कराएंगे। आपकी टीम में सभी समाज के लड़के हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें ऐसा किसी ने सोचा नहीं कि ये समाज का है, ये समाज का है, सब एक दूसरे के साथ में एज अ टीम प्लेयर और गेम स्प्रिट के हिसाब से एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं और वैसा ही रहेगा अगर, तो फिर आगे उनको कामयाबी मिलेंगी इंशाल्लाह। आपका नाम बोलिए। सैयद सद्दाम, मैं सिविल इंजीनियर।